Nobel Prize for Water, Stockholm Water Prize Jita. Asia Pratishtit, Raymond Magsaysay Puraskar, UK Se Ahimsa Puraskar, Jamna Lal Bajaj Puraskar. British Rajkumar Charles ne unse jal ke vishay mein vichar vimarsh kiya. Guardian Patrika ne unka naam un 50 logon ki suchi mein rakha hai jo dharti ko bacha sakte hain. Kaun hai wo? Unki kya uplabdhiyan hai? बादल हर साल पानी लाता है, जब वो बरसता है तो दौड़ के चलता है, उसको धीमे चलना सिखा दो, जब वो चलने लगे तो पकड़ के धरती के पेट में बैठा दो, फिर उसको सूरज की नजर ना लगेगी, वो उड़ेगा नहीं, उससे किसान अपना जीवन चला ले। राजेंद्र सिंह ने राजस्थान के 1500 गांव में पानी की समस्या का उन्मूलन जड़ से उखाड़ने का कार्य किया। खेती करना मुमकिन हुआ और सब तरफ हरियाली छा गई। और उन्होंने 5 नदियों को पुनर्जीवित किया और सूखा खत्म किया। इस सूखे क्षेत्र से कैसे? राजेंद्र सिंह ने 1985 से बारिश के पानी को परंपरागत तरीके से संग्रह किया, जैसे जौहड़, बारिश के पानी के हौज, छोटे बांध और कुछ पुरानी तकनीकी। 2-3 सालों में जमीन के पानी का स्तर बढ़ा और जमीन उपजाऊ बनी। केवल पानी की समस्या का समाधान ही नहीं हुआ, साथ में कृषि क्षेत्र भी पनपने लगा। जहां पर हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स हैं, वहां एक वाटर बॉडी बनाओ जिसमें पानी रुके और वो नीचे पेनिट्रेट होकर रिचार्ज हो जाए। जहाँ स्टीप स्लोप हैं वहाँ कॉन्वेक्स डिजाइन के बांध बनाओ, उल्टे बांध। जहाँ नेचुरल डिप्रेशन है और मिट्टी में लाइम कंटेंट है वहाँ कॉनकेव डिजाइन की स्ट्रक्चर्स बनाओ। जहाँ जेंटल स्लोप्स हैं वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी स्ट्रक्चर बनाओ। जब हमारा क्रॉप पैटर्न की रेन पैटर्न के साथ रिलेशनशिप हो जाएगी, रेन पैटर्न विद क्रॉप पैटर्न जुड़ जाएगा, तो सब काम ठीक हो जाएगा। पानी कम खर्च होगा, मिट्टी का इरोजन नहीं होगा, इरोजन नहीं होगा तो नदी में रिवर में सिल्टिंग नहीं होगा। तो हमें क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ जोड़ने वाला नॉलेज चाहिए। राजेंद्र सिंह हमारी भारतीय पारंपरिक पानी प्रबंध की तकनीक का पालन करते हैं, जो सरल और कम लागत है, जिससे पीने के पानी की और खेती के पानी की जरूरत पूरी हुई। जो नदियां तबाह हो गई थी वो पुनर्जीवित हो गई। उन्होंने इस परारंगत तरीके 10,000 जौहड़ और भंडारण हौज बनाए, राजस्थान के कई जिलों का प्रजनन किया। राजेंद्र भाई साहब हमारे तो इसमें आए न गांव में, तो ये एक तरह को जल पुरुष, जैसे एक जल का देवता होता है इंद्र महाराज, तो इंद्र महाराज की तरह तो न हमारे गांव में आए हैं, और जो हमारे गांव में निकट बनाने से हमारे लिए तो उन बातों एक तरह का भगवान है। हमारे भाई से मलबा से तो बहुत फायदा हुआ, जंगल का न पानी का न सबड़ा ही फायदा होगा हमारा। तरुण भारत संघ जब इस जो पिछले 3 दशकों से करीब 1000 से ज़्यादा गांवों में जल संरक्षण के काम के रूप में छोटे छोटे चेक डैम, छोटे एनीकट, जोहड़ और जो भी परंपरागत वर्षा जल संरक्षण के तरीके हो सकते हैं उनको बढ़ावा दे रहा है, और करीब 10,000 से ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स इस समाज में बना चुका है। राजेंद्र सिंह की गैर सरकारी संगठन तरुण भारत संघ लोगों को पानी प्रबंध के प्रभावी तरीके सिखाता है और उनके साथ मिलकर कार्य को संचालित करता है। ये संस्था युवाओं और बच्चों को पानी बचने के तरीके और जल संरक्षण की शिक्षा से शिक्षित करना चाहता है। राजेंद्र सिंह भारत और विश्व में जल प्रबंध, जल संरक्षण की शिक्षा से शिक्षित करना कार्य करते हैं। में वाटर के बारे में 6 आर हैं, रेस्पेक्ट, रिड्यूस, रिट्रीट, रिसाइकल एंड रीयूज एंड फाइनली रिजुनेट द नेचर विद वाटर।
प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ और जल का दुरुपयोग के कारण जलवायु दूषित हो रही है, जिससे प्राकृतिक आपदा आ रही है। इस मुश्किल समय में राजेंद्र सिंह जैसे लोग जो प्राकृतिक और जल को बचा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, ये हमारे किसानों और देश के लिए आशा की किरण है। सीआरआई पंप्स राजेंद्र सिंह को सम्मानित और सलाम करता है।